के परभणी शहर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक ऐसी रोशन मिसाल हज़रत बाबा तुराबुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ सुकूनत पज़ीर हैं और 1700 साल कदीम इस दरगाह की देखभाल और इंतज़ाम और इंसराम की ज़िम्मेदारी रेगे कुंबे पर है। रेगे कुंबा गैर मुस्लिम होने के बावजूद बाबा का उर्स और दिगर तकरीबात मनाते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ आस्थाने पर हाज़िरी देते हैं। रेगे कुंबे को ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने ही बाबा को उस वक्त देखा जब वो यहाँ परभणी से सुकूनत के लिए आए थे और यहाँ पर उन्होंने सुकूनत इख्तियार की। 1700 साल कदीम ये आस्थाना वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम है, यहाँ उर्स और दुगर तकरीबात मनाई जाती हैं। उर्स में भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सबूत पाया जाता है। फरवरी में यूँ तो उर्स होता है इनका, लेकिन 17 रबीउल अव्वल में इनका उर्स मनाया जाता है, संदल निकाले जाते हैं। ये एक ऐसी मिसाल है जहाँ यहाँ जब हमने देखा तो यहाँ रेगे ख़ानदान से ही वाबस्ता एक खादिमा जो दरगाह की देखभाल करती है, मालनी ताई जिन्होंने दरगाह की देखभाल की है और वो अपने ज़माने से ये दरगाह चला रही है, इनका कहना है कि बाबा की बेशुमार करामत है और उन्होंने रेगे कुंबे के यहाँ ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी। 17 साल के आले ले बाबाला पानी रोटी खिला ली थी बाबा को, तो 32 एकर जमीन है तो आमच्या ताब्यात है 32 एकर, लोकायला जनतेला उतरा है, म्हणजे तुम्ही हिंदीतून हे होणार पब्लिक को उतर नको आहे, जमीन काही याच्यात करीत नाहीत, कुठं विकंदुऱ्या करा उतरा देवाला निवेद आला हे उरुज भरते भाविक लोक येतात नाही तर हिंदू मुस्लिम ताण निर्माण होतो असं वातावरण वाढायचं, लोक हिंदू अलग असतो मुस्लिम अलग असतो, कोणी एक दुसऱ्याचे त्योहारमध्ये जात नसतो, तुम्ही दर्गाची देखरेख करतो, तुमचे धर्माचे लोक तुम्हाला काय म्हणतो का ह्याच्याबद्दल काय? इकडे हिंदू मुस्लिम दोघी येतोय आणि काय हे सरळ काय काय सर्व व्यवस्थितपणे सांगा बाबा कवा आले होते आणि कसा माली कुंभाकडे आले आणि रेगे कुंभ इकडे शेती होती, शेतीमध्ये आपले बैल हे नसतात का? बैल ते पेरीत होते, नांगरहाणीत होते, बाबा तुमचे मुस्लिम पशी आले बाबा पाणी देऊ बोले, बरोबर दिलं नाही पाणी आमच्यापाशी गेले की पाणी दिलं, पाणी बी दिलं रोटी बी दिली, तर आम्हाला असं केलं की जलमभर तुम्हाला आम्ही देऊन जाईल, बाबा गुप्त झालेले, तर कलेक्टर साहेब त्या 17 पिढीपासून संदल पहिला निघत आहे। आपले लोकांच्या सांगण्यात पहिले आपण इकडे करतोय तरी मुस्लिम येतो इकडे आणि इकडे काय लेडीज जेंट्स सर्व येते का? सर्व येते, काही भेदभाव नाही, 7 दिवसाच्या नंतर बाई येते, सर छोचेच येते, असं काही निर्माण नाही आणि ते एकदाचे काय हे इकडे वातावरण निर्माण झालेले दर्गावरून एकदाचे पैगाम दिलेले बाबांनी जर तुम्ही बाबाला सांभाळला आणि त्यांना देखभाल त्याचं नियोजन ठेवणार त्याच्या प्रमाण वागणार, कोणाला असं येऊ देणार नाहीत मधात, कोणी येणारच नाही तसं तर गलतीमध्ये, असं गलती तर होणारच नाही। बाबा तुराबुल हक साहब ने यहाँ गैर मुस्लिम कुंबे के यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारी और उसके बाद बाबा ने ये कहा था कि मैं ज़िंदगी भर आपको संभालूंगा, बाबा की ही ये करामत है कि आज ये गैर मुस्लिम कुंबा यहाँ बरसरे पैकर है और दरगाह के इंतजाम संभालता है। तुराबुल हक बाबा के मज़ार पर एक ऐसे मोतकीद भी हमारे साथ है, इसहाक कुरैशी साहब। बाबा यहाँ आए, यहाँ गैर मुस्लिम कुंबा जो है उनकी तमाम जिम्मेदारियाँ उठाता है, उर्स करता है तमाम, तो क्या तारीख रही है बाबा की और क्या पूरा मामला रहा है बताइए आप? तो बाबा वो दिल्ली शहर से आए वाले थे जी, चलते 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 जब दिल्ली से आए थे तो अजमेर शरीफ चले गए जी, तो अजमेर शरीफ से आ गए थे यहाँ पे जी, तो ये इनका मिलावट 2-4 पीरो मुर्शद का होगा था जी, तो पीरो मुर्शद के जांचों आस्थाने बनाए गए थे उन्होंने इशारे देने पे जी, तो यहाँ पे आए थे तो ये लोगों का माली लोगों का खेत था जी, तो खेत के इसमें तुअर थी जी, तो वो तुअर में बाबा आए वाले थे, तो वहाँ पे आए वाले थे तो मुस्लिम जो अपने लोग हैं उनको पानी मांगे थे सिर्फ,
तो वो लोगों ने पानी नहीं दिए थे। तो पानी नहीं देने के अलावा वो मालिन जो माँ थी, तो मालिन माँ कने आए वो, तो मालिन माँ कने आए तो उन्होंने पानी मंगे। पानी मंगने के बाद में जो कि मालिन माँ जो उठे, पानी वो लाने के लिए चले गए। तो पानी वो लाने के चले गए तो बाद में बाबा पर्दा हो गए, समझ जाओ गए भगवान। तो उसके बाद में फिर उनके बशारत में जाके बोले कि मैं इधर उधर किधर नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, जो कि तुम मेरे पे नज़र रखो, मैं तुम्हारी पीड़ाना पीढ़ी को देखते रहूँगा और पीड़ाना पीढ़ी तुम्हारी चलते रहेंगी जी। बस तो यही यानी बाबा की करामत है कि वो पर्दा फरमा गए और उसके बाद जो है इनके बशारत में आए कि कहा कि भाई मैं यहीं हूँ और मैं मेरा जो है ये वादा है आपसे कि मैं आपकी पीढ़ी को देखूँगा।